अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वाच एंड कुक। आज हम आपको मैंगो आइसक्रीम बनाकर दिखाएंगे। आजकल आम का सीज़न है और बाज़ार में ढेर सारा आम दस्तियाब है। आम को वैसे भी इसके टेस्ट के हिसाब से फलों का बादशाह कहा जाता है। हमने इसके लिए आधा किलो आम लिए हैं। आम का छिलका उतार लेंगे, बारीक बारीक छिलका उतारना है आपने। उतार के हम इसको छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। इसकी गुठली को अच्छी तरह साफ़ करेंगे। ये देखें, ऐसे हम ना इसको अच्छी तरह काट लेंगे। आप घर में आसानी से बाज़ार से बहुत ही सस्ती आइसक्रीम तैयार कर सकते हैं। इस पे हमारा कोई ख़र्चा भी नहीं आता इतना ज़्यादा। इसके लिए हमें सिर्फ़ तीन चीज़ों की ज़रूरत है। एक, हम इसके लिए व्हिपिंग क्रीम लेंगे। एक कप चीनी चाहिए और आधा किलो आम लिए हैं। आम हमने काट लिए हैं। काटने के बाद हम इनको ग्राइंडर में डालकर इनका पेस्ट बना लेंगे। जो आम हमने काटे हैं इसमें से हम थोड़े से रख लेंगे, वो बाद में शामिल करेंगे, और बाकी हमने इसमें डाल के इनको पेस्ट बना लेनी है इनकी। इसको आप 5 मिनट चलाएंगे ग्राइंडर को, 5 मिनट में ये पेस्ट तैयार हो जाएगा। तैयार हो चुका है, अब हम इसको एक बॉल में निकाल लेंगे। ये देखें, हमने इसको बॉल में निकाल लिया है। जग को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे सारा पेस्ट इसमें बॉल में निकाल के। अब हम क्रीम के 2 पैकेट ग्राइंडर में डालेंगे। ये हमने एक बहुत ठंडे किए हैं, इसको हमने ना 2 घंटे पहले फ्रीज़र में रखा था। ये जितनी ठंडी होगी ना उतनी आइसक्रीम अच्छी बनेगी। दोनों पैकेट अच्छी तरह, छोटे पैकेट लिए हैं 2 हमने। आप इसको जग में डाल दें और आपने इसको 15 से 20 मिनट तक ब्लेंड करना है, फिर ये अच्छी तरह तैयार होगा। इसको मतलब 5-10 मिनट में नहीं करें, इसको 15 से 20 मिनट तक आपको ग्राइंडर चलाना पड़ेगा, फिर ये तैयार हो जाएगी। ये देखें, अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। इसमें हमने 1 कप चीनी डाली है। ये 15 मिनट के बाद हमने इसको देखा है तो ये तैयार है। अब हम इसको मैंगो का जो पेस्ट बनाया था ना उसमें शामिल करेंगे। इसको ऐसे आहिस्ता आहिस्ता हिलाकर आप इसमें शामिल कर लेंगे और बहुत अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। ये देखें, ऐसे आपने ना सारी क्रीम इसमें डालकर मिक्स कर लेनी है। अब हमने जो मैंगो थोड़े से रखे थे वो हम इसमें मिक्स करेंगे। बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाते हैं आइसक्रीम, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े की बनती है और बाज़ार से बहुत सस्ती बनती है। अब हम एक प्लास्टिक का बॉल लेके उसमें इसको निकाल लेंगे। अब हम इसके ऊपर सजावट के लिए थोड़े से मैंगो डाल देंगे। आप कोई और चीज़ भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वैसे इस पे मैंगो ही अच्छे लगते हैं। ये देखें, ऐसे इसके ऊपर डाल लेंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीमर में रखी थी 2 चम्मच, वो भी डाल देंगे। ऐसे किसी भी कोई भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं, जिस तरह आपका दिल करे। 2 चम्मच ऐसे ऊपर डिज़ाइन बना लें।
अब हम इसके ऊपर बटर पेपर लगाएंगे। बटर पेपर लगाने के बाद हम इसको कवर कर देंगे, ढक्कन दे देंगे ऊपर। ढक्कन के रखने के बाद हम इसको 6 से 8 घंटे फ्रीज़र में रखेंगे। ऐसे कवर करके इसको आपने फ्रीज़र में रख देना है और 6 से 8 घंटे के लिए रखना है। अब ये देखें, हमने इसको 8 घंटे के बाद निकाला है और हमारी आइसक्रीम तैयार हो चुकी है। अब हम इसको बाउल में निकालेंगे। मज़ेदार आइसक्रीम तैयार है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी किया करें।